हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11 मई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिया था। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसका जो सही आंसर देने वाले शख्स हैं उनका नाम है लखन सिंह, और सही आंसर है आपका जी सतीश रेड्डी। देखते हैं DRDO के बारे में कुछ। इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, मोटो है बलस्य मूल विज्ञानम, और देखिए इंग्लिश के अंदर स्ट्रेंथ ओरिजन इज इन साइंस। फाउंडेड, इनका फाउंडेशन हुआ था 1958 में DRDO का। देखिए ये इसका सिंबल है, ये है हमारे DRDO के जो चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 के अनुसार भारत में कार की बिक्री में क्या गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है? तो देखिए, भारत की कार बिक्री के अंदर 50% की गिरावट आ चुकी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में कुछ, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर। इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1974 के अंदर हुआ था, और एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है इनका नाम है फतेह बैरोल, ये इसका लोगो है। क्वेश्चन नंबर टू, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अगले 2 वर्ष के लिए भारत के सड़क निर्माण लागत लक्ष्य क्या है? तो देखिए, इन्होंने जो बजट रखा है तो अगले 2 साल के लिए सड़क निर्माण के लिए वो रखा गया है 15 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस भारतीय राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? ये अध्यादेश पारित किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, और उत्तर प्रदेश के जो CM है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर फोर, किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड ने राज्य सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? अब देखिए, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि नाबार्ड का जो चेयरमैन कौन है, करंट में जो नाबार्ड के चेयरमैन उनका नाम है हर्ष कुमार बानवाला। तो देखते हैं नाबार्ड के बारे में कुछ। सबसे पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फाउंडेशन उसका हुआ था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और एजेंसी एग्जीक्यूट या फिर चेयरपर्सन बोल लीजिए या फिर चेयरमैन बोल लीजिए, इनका नाम हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, हर्ष कुमार बानवाला। क्वेश्चन नंबर फाइव, मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर को संशोधित कर 0% कर दिया है। मोदी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि क्या है? GDP ग्रोथ रेट पूछी गई है आपसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो देखिए, इनकी जो फोरकास्ट है वो है 6.6%। तो देखते हैं मूडी के बारे में कुछ। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, ये क्या है? क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसके CEO का नाम है रेमंड W. मैकडेनियल जूनियर, और फाउंडर का नाम है जॉन मूडी, और फाउंडेशन इसका हुआ था 1909 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मई 2020 में 3 वर्षों के लिए यस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है नीरज धवन। तो यस बैंक के बारे में कुछ देखते हैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यस बैंक का लोगो है। इसके जो CEO है करंट में यस बैंक के, CEO का नाम है प्रशांत कुमार। फाउंडर थे इनके राणा कपूर। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई इंडिया में, और इसका फाउंडेशन ईयर है वो है 2004। टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। क्वेश्चन नंबर 7, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करना और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को।
क्वेश्चन नंबर 9, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को वार्षिक रूप से मनाया जाता है। 2020 के लिए इसका विषय पूछा गया है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, हर साल मनाया जाता है ये 5 मई को, और आपसे पूछा गया है इसका थीम। थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। तो देखिए, ये प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है ताकि उनको जो सरकार की सेवाएं प्राप्त हो सके, ये है प्रवासी राहत मित्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले मैं बता चुका हूँ, योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त राज्य यूएन विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित प्रवासी राहत मित्र मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, उस स्टेट का नाम लिखना है। आज की तरह जो जो इसका बिल्कुल सही आंसर देगा उसका नाम कल की वीडियो के अंदर पहले पहले लिखा जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।